भारतीय टीम को मिला दुनिया का सबसे खूंखार गेंदबाज, गरीबी से निकला जीवन, लेकिन अब मिली टीम इंडिया में की धमाकेदारी एंट्री। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में अचानक से जसप्रीत बुमराह है और मोहम्मद शमी से भी ज़्यादा खतरनाक तेज गेंदबाज की एंट्री हो गई है। दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज टीम को तहस नहस कर देगा ये भारतीय तेज गेंदबाज। भारत को मिल गया दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज। टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के रूप में घातक तेज गेंदबाज भी है, जो हारते हुए मैच को जीत में बदलना जानते हैं। इस तेज गेंदबाज ने दिखा दिया कि वह जसप्रीत बुमराह है और मोहम्मद शमी से भी बेहतर तेज गेंदबाज है। मुकेश कुमार ने इस IPL सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 10 मैचों में 7 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया है। भारत की इस खतरनाक तेज गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में डेब्यू किया है। गरीबी से निकलकर टीम इंडिया में मचाया धमाल। मुकेश कुमार ने बंगाल के लिए 39 प्रथम श्रेणी मैचों में 21.55 की प्रभावशाली गेंदबाजी औसत से 149 विकेट लिए हैं। मुकेश कुमार ने इस दौरान 6 पारियों में 5 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने 8 पारियों में 4 विकेट लिए हैं। मालूम हो कि मुकेश कुमार पहले गोपालगंज में क्रिकेट खेलते थे और उनका प्रदर्शन अच्छा था। उन्होंने बिहार के लिए अंडर-19 क्रिकेट भी खेला। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी के लिए कोलकाता बुला लिया। मुकेश के पिता कोलकाता में ऑटो ड्राइवर थे। मुकेश कुमार ने CRPF में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वह 3 बार मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए। इसके बाद वह कोलकाता पहुंचे और क्रिकेट खेलना शुरू किया। मुकेश कुमार दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज है। बिहार के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुकेश कुमार को IPL 2023 की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने 5.50 करोड़ रुपये में खरीदा था, जबकि इसकी मूल कीमत महज 20 लाख रुपए थी, लेकिन इसकी नीलामी इसकी मूल कीमत से लगभग 28 गुना अधिक कीमत पर की गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।